नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर, जिसका नाम अब होमवर्क भी हो चुका है, जिसमें और भी कोर्सेज पढ़ रहे हैं, आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, मजे भी ले रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने उसी औसत के बारे में कुछ और प्यारी बातें करने वाला हूं। रिश्ते वही हैं, कुछ नई सोच बनाने वाला हूं। तो आज क्या है आपके सामने, आज मैं क्या परोसने वाला हूं, आज मैं आपको देने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग देखने में तो अंग्रेजी बहुत ही टेक्निकल लग रही है, लेकिन इसमें होता क्या है, कोई हम फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, बस उन्हीं प्यारी बातों में एक सोच और बढ़ाएंगे। बात क्या है सर, इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा कुछ हो रहा होगा, कोई एक बंदा दो बार जुड़ रहा होगा, या फिर कोई दो लोग दो बार जुड़ रहे होंगे, या कोई तीन लोग दो बार जुड़ रहे होंगे। लेकिन आपकी खुशी के लिए बता दूं कि आपके एग्जाम में अभी तक के इतिहास में सिर्फ एक ही बंदा दो बार जुड़ रहा होता है, उसका सवाल आता है। समझाने में थोड़ा सा वक्त लूंगा, लेकिन बाद में सवाल चुटकियों में होंगे, पर उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर दो लोग डबल जुड़ रहे हो, अगर तीन लोग जबर जुड़ रहे हो, तो क्या ड्रामा होगा, तो क्या साजिश होगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। आपके सामने कुछ प्यारी बात के साथ स्टार्ट करता हूं, फिर फटक 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 से हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे, आप भी साथ में जवाब देंगे, मैं भी उनको ऑब्जर्व करूंगा, आंसर हम मैच कराएंगे, कसम कस चलती रहेगी, इंजॉय करेंगे। तो आपके सामने मैंने कुछ एक छोटी सी प्यारी सी बात रखी। कैसे रखी, मैंने बोला कि माना कि तीन लोग हैं, समझना, मान लो मैं ये बोलूं कि तीन लोग हैं, मैंने उनको नाम दे दिया ए बी और सी। आपने बोला सर हीरा पन्ना गीता दे दो, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये बोला कि तीन लोगों का औसत भार अगर 50 किलोग्राम है। आपने बोला ठीक है सर, हमने मान लिया। अब मैं ये बोलता हूं कि तीन लोगों का औसत भार 50 किलोग्राम है, जबकि शुरू के दो लोग यानी ए प्लस बी का औसत भार 45 किलोग्राम है। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला और आखिरी के दो यानी बी और सी का औसत भार मान लो 56 किलोग्राम है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि बी का भार ज्ञात करो। आपने बोला बी कौन है, जो इसके साथ भी आया, जो उसके साथ भी आया, बच्चलन है बी कि इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, दो दो जगह मजे ले रहा है। तो मैंने बोला बी निकालो। तो आपने बोला सर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप विचार करने बैठोगे तो कैसे सोचोगे, आप ऐसे सोचोगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे अभी, लेकिन आप सोचोगे कैसे उसकी बात मैं थोड़ी कर देता हूं। आपने बोला यार ये तीन लोग हैं, अगर इन तीनों लोगों का मैं सम करूंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा सर, 5 × 3 = 15 150 आ जाएगा। आपने बोला हाँ जी, हमने भी बोला हाँ जी कि भैया सम कर लिया। अब मैं इधर आया, मैंने बोला अगर इन दोनों का भी सम कर लूं, बेसिकली इन इसको भी जोड़ लू, तो हो क्या जाएगा सर। आप बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, या फिर मैं बोलू ए प्लस टू बी प्लस सी हो जाएगा, मतलब बी दो बार जुड़ रहा है। तो मैंने बोला अगर इसमें से ए प्लस बी प्लस सी घटा दू तो कौन रह जाएगा गुरु, कौन रह जाएगा, बी रह जाएगा मेरा अकेला, तो बी निकल जाएगा। आपने बोला हाँ जी। तो मैंने पहले आंसर निकाला, थोड़ी मेहनत मुझे लगी लेकिन मैंने निकाला। मैंने बोला मैंने इसका तीन गुना किया, नहीं माफ करना, मैंने क्या किया, दो गुना किया, चूंकि दो लोग हैं, इसको मैंने इसके साथ जोड़ा, दो गुना कर दिया, और इसमें से किसको घटा दिया सर, 150 को घटा दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा। आपने बोला हाँ जी आ जाएगा। कितना आएगा मैं निकाल दे रहा हूं, पर इसके बाद दोबारा ऐसे नहीं निकालूंगा मैं। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, कितना, 45 दूनी मेरी दुनिया में 90 होते हैं, आपकी दुनिया में भी 90 होते हैं, 56 दूनी कितने होते हैं सर, 112 होते हैं। आपने बोला हाँ जी सर, हमारे यहां भी 112 होते, हमारे गांव में भी 112 होते, ठीक है। माइनस का 150 अगर मैंने किया तो लौट फिर के चमक के कौन आ गया सर, देखना, 100 भगाया
और इसमें से 50 भगाया तो रह कितना गया 40, 50 और 2 52, कितना रह गया सर 52 किलोग्राम। यानी जो दो बार जुड़ा है मिस्टर बी, कौन मिस्टर बी, बी फॉर बॉय, उसका भार कितना है सर 52 किलोग्राम है। यहां पे तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, फिर भी मेरा मन नहीं किया था, मैंने बोला बड़ी मेहनत है, यहीं पे अगर 10 लोग हो जाते, यहीं पे अगर 15 लोग हो जाते, यहीं पे अगर 35 लोग हो जाते, फिर मैं ये ड्रामा कर रहा होता, अगर मेरे एवरेज भी थोड़े गंदे से आगे होते तो एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस छोटे से एकदम बहुत ही बिना लेवल के सवाल में मैं कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से ज्यादा समय ले जाता। आपने बोला इसमें और भी विचार किया जा सकता, मैंने बोला हाँ, इसी को मैं और कैसे कर सकता हूं, जानने की कोशिश करना, फील करने की कोशिश करना, मैं चाहूं तो रटा भी सकता हूं, लेकिन आपका दिमाग लगवाऊंगा उस समय पर थोड़ा सा दिमाग का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, बाद में आपको लगेगा अच्छा सर मजा आ गया। जानने की कोशिश करना, विचारने की कोशिश करना, फिर मैं आपके सामने खटाखट खटाखट सवाल रखूंगा, आप झटाझट आंसर देंगे, ठीक है। तो मैंने बोला मैं कैसे विचार करूं, जानने की कोशिश करना, मैंने बोला सर तीन लोग हैं सर, उनका औसत कितना है सर, आपने बोला 50 किलोग्राम है, अब जानने की कोशिश करना, शुरू में जो दो लोग हैं उनका भार कितना है सर 45 किलोग्राम है, मैंने बोला आखिरी में जो लोग हैं उनका कितना है सर, उनका कितना है सर, आपने बोला सर 56 किलोग्राम है, अभी तो आपने बताया था, यहाँ पर सर ए प्लस बी है, अभी आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया, बाद में मैं लिखा भी नहीं करूँगा, यहाँ बी प्लस सी है। मैंने ये बोला सर देखा जाए तो सारे जब ग्रुप में एक साथ थे तो औसत कितना था 50, अब ये बंदा इधर भी खेल गया उधर भी खेल गया, तो मैंने बोला सर यहाँ पे कार्यक्रम वही हो रहा है, बस एक बंदा डबल काउंट हुआ है, तो मैं कैसे विचार करूंगा, अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, मैंने ये देखना है कि ये जो बंदा दो बार खेला है ग्रुप में तो इसने क्या किया। मैंने बोला पहले जब ये इधर आया तो ग्रुप में कितना कम पड़ा, यानी पूरे ग्रुप से ये दोनों लोगों का ग्रुप कितना कम पड़ा, आपने बोला -5, कितने लोगों पे कम पड़ा, आपने बोला 2 लोगों पे, तो दोनों ने मिलकर कितना कम किया सर 10 कम किया। अब मुझे नहीं मालूम कि ये बी की वजह से हुआ या ए की वजह से हुआ, हो सकता है दोनों की वजह से हुआ हो, मुझे कुछ पता नहीं लगा यहां से। फिर मैं चुपचाप शर्माते हुए इधर गया, मैंने बोला इधर प्लस का 6 हो रहा है, कितने लोगों में 2 लोगों में, ये कितना हो गया सर 12। अब मैंने बोला सर अगर मैं ग्रुप को पकड़ लूं तो ग्रुप का कंट्रीब्यूशन तो 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई ऑलरेडी एवरेज डिसाइडेड है, पर एक बच्चा शर्माते हुए बोला था हेजिटेशन के साथ सर यहाँ पे तो 3 लोग हैं, यहाँ पे तो सर एक बंदा डबल जुड़ गया, तो दूसरे शब्दों में बोलूं ये तो 4 हो गए। मैंने बोला हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने बोला देखो 50 एवरेज है, मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि एक डमी बंदा मान लूं और मैं मान लूं डमी इसमें 4 है, उनका भी औसत 50 है। आपने बोला नहीं सर ये तो किरकिरा हो गया मजा, कितना मजा हो गया, आप ये मान लो कि मैं ऐसा सोचूं कि एक बंदा इन्हीं में से मान लूं मैं थोड़ी देर के लिए कि जो बी है जिसको निकालने जा रहा हूं, अगर ये मेरे औसत के बराबर रहा होता, अगर ये भी 50 रहा होता और बाहर से आया होता, मेरा कहने का मतलब ये है कि 4-3 लोगों का औसत 50 है, मैं इस एक ऐसे बंदे को अंदर ले आऊं जिसकी वेट 50 है तो क्या औसत में कोई फर्क पड़ेगा। आपने बोला नहीं, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा डमी मान लेता हूं कि भैया इसमें चौथा बंदा भी जोड़ा, तब भी अगर 50 रहता तो ग्रुप का कंट्रीब्यूशन कितना होता सर 0 रहता। इसको दूसरे पहलू से भी रखूंगा तो आप बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे, पर मैंने बोला यहां से कितना हो रहा है, यहां से +2 हो रहा है, तो ये किसने एक ड्रामा क्रिएट किया, भैया ग्रुप का तो कंट्रीब्यूशन 0 होना चाहिए था, तो बाकी लोगों ने तो कुछ छेड़खानी की नहीं है, किसने ड्रामा क्रिएट किया। आपने बोला बी ने क्रिएट किया, इसका मतलब पूरे ग्रुप में आके ये 2 एक्स्ट्रा दे रहा है, इट मींस बच्चे ये ग्रुप से कितना एक्स्ट्रा रहा होगा, आपने बोला 2, तो बी कितना हो गया सर 52 किलोग्राम। मुझे बताओ इससे पहले मैंने निकाला था तब कितना आया था 52 किलोग्राम ही आया था, कुछ और आया था, देख लेना मैंने तो कुछ नहीं बोला सर 52 ही किलोग्राम आया होगा। मैं दूसरे पहलू में जाऊं, मैं ये बोलूं सर कि 3 लोग तो ऑलरेडी थे, मैंने एक बी की वैल्यू वाला बंदा और डाल दिया और 4 बना दिए, जिसकी वजह से मेरा औसत कितना हो गया सर 50 सही 2/3 हो गया। आपने बोला सर आपने कैसे सोच ला इसकी वजह से 50 से 2/3 हो जाएगा। मैंने बोला देखो कोई बंदा गुस्सा है,
मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, कोई बंदा घुसाने से औसत 50 से 2/3 होता है, और उससे पहले जो तीन लोग थे उनका औसत सर 50 था, तो मुझे बताओ मुझे चौथा बंदा आया है उसका भार कितना है। तो आपने बोला सर ये इससे कितना कम है, आपने बोला 2/3 कम है, कितने लोगों पे, तीन पे, तो कितना कम है 2, तो ये कितना ज्यादा रहा होगा 2, यानी कितना रहा होगा 52 किलोग्राम का। आप दूसरे शब्दों बोलू, मैंने बोला अगर कोई बंदा ऐसा आया होता उसका भी भार उतना ही होता जितना कितना है, जितना औसत है, तो सर क्या कोई फर्क पड़ता औसत पे? आपने बोला नहीं। तो आपने इसे क्या रियलाइज किया? मैंने बोला जो एक्स्ट्रा बंदा है, आप ये मत सोचो कि मेरा सी को डबल काउंट किया गया, आप ये सीखो कि एक सी और डाल दिया गया है, उसके डालने की वजह से उस पूरे ग्रुप में क्या छेड़खानी हुई। आप याद करो पहले दिन की क्लास, याद करो बेटा ये भारी भरकम बात है। देखो समझ रहे होगे तो भारी भरकम, फिर फटाफट कर लेंगे, समझना मैं इसकी आवश्यकता भी नहीं होती, आपको चाहता तो रटा के फेंक देता। आपने बोला अगर एक मैं एक्स्ट्रा बंदा डाल रहा हूं उसकी वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन जो प्लस माइनस होता है, तो मैं क्या कह देता हूं, वो बंदा उतना ही ज्यादा या कम रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि जितना औसत है अगर सी उतना ही रहा होता तो सारा ग्रुप में जब मैं मिलन कराता तो मेरे औसत में टोटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बेसिकली आप क्या किया करोगे, आपको जब भी एक बंदा डबल काउंट हो रहा हो तो आप ये देख लो कि उसने पूरे ग्रुपों में, दोनों ग्रुपों में जब वो गया, इधर भागा उधर भागा, तो उसकी वजह से कुल हमारा डेविएशन कितना हुआ। जितना भी डेविएशन हुआ है प्लस का हुआ है तो उतना ही ज्यादा हो जाएगा, और माइनस का हुआ है तो उतना ही कम हो जाएगा। तुम्हारे मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब इस कॉन्सेप्ट को बताने जाता हूं तो बच्चे उस लेवल पे चीजों को समझ नहीं पाते। आप पहले मेरे कुछ क्वेश्चन करना, करते जाना, मैं बता दूंगा क्या करना है, बाद में फिर फील करना, और जब आगे बढ़ के एवरेज की बातें होंगी, कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बातें इससे फीलिंग जुड़ी हुई होती हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं भी हो तो मैं समझा दे रहा हूं कि ऐसे सवालों में क्या होता है, प्रैक्टिस से आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस के सहारे से इसको मैं क्लियर करूं? आपने बोला हाँ जी। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत किया, आपने शर्माते हुए वो क्वेश्चन देखा, देखो आपकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन है, मैंने भी पहला क्वेश्चन सीट में पढ़ा, फटक से आंसर देने की इच्छा करी। क्या कह रहा है गुरु जी? कह रहे सर 15 ऑब्जर्वेशन है, 15 ऑब्जर्वेशन का औसत भार 19 दे रखा है सर। ऑब्जर्वेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 19 है। जे कह रहा पहली 18 ऑब्जर्वेशन का नंबर्स का जो औसत है वो कितना है सर? 17 है। कितना है गुरु? 17 है। और जबकि लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन का औसत कितना है सर? 20 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन बताओ। आपने बोला मिडिल वाली कौन सी होगी? मैंने बोला देखो 8 इधर 8 इधर, तो देखो 8 है इधर 8 है इधर, टोटल है 15। तो मुझे बताओ 7 इधर होते 7 उधर होते तो बीच वाली 8वीं होती, यानी 8वीं ही तो मिडिल वाली होगी, और 8वीं कौन सी है जो डबल काउंट हुई है? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो? 8वीं नंबर निकालना। तो जो डबल काउंट हो रहा होता उसको सिंपली कैसे निकालते? मैंने बोला पहले इनके साथ आया, 7 यहां रखता 7 यहां रखता, एक बीच में रखता तो टेंशन नहीं होती, जो एक एक्स्ट्रा है पहले में इधर लाया, वो एक पहले इधर भागा, उसकी वजह से देखते हैं क्या हुआ। उसकी वजह से हुआ, लेकिन देखते हुआ क्या? हमने बोला सर 2 की कमी हो गई, कितने लोगों में? 8 लोगों में। मैंने बोला इधर क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा हो गया, कितने लोगों में सर? 8 लोगों में। कितने लोगों में? 8 लोगों में। ओवरऑल गुरुजी क्या हुआ? ओवरऑल क्या हुआ सर? 8 की कमी हुई, यानी जबकि ग्रुप में रहने से अगर वो 19 ही रहा होता तो ग्रुप का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता। अगर वो 19 ही रहा होता,
उसकी छेड़खानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या कर दिया सर, माइनस का 8 कर दिया। इसका मतलब वो बंदा इससे कितना कम रहा होगा, माइनस का 8 रहा होगा। कितना कम रहा होगा, माइनस का 8, यानी कितने का रहा होगा सर, 11 वैल्यू का रहा होगा, 11 वैल्यू का रहा होगा। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे कि आप सर 8 × 17 प्लस 8 × 20 इसमें से घटा देते क्या 15 × 19। हल्की सी मेहनत है, आंसर 11 ही आएगा। ट्राई कर लेना, निकाल के देख लेना। समझ पा रहे हो गुरु? फिर भी क्लियर ना हो कमेंट में जरूर मार देना, मैं इसको और खोल के रख दूंगा। खोलने पर क्या होता है, वक्त लग जाता है, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा होता हूं जब तक बच्चा की इच्छा ना कर रही हो। ठीक है सर मेरी बात? तो इस तरह की डबल काउंटिंग में आप क्या किया करोगे, जो भी एक्स्ट्रा हो रहा होता है पूरे ग्रुप में उसी को पकड़ लेते हैं। प्लस कर रहा है तो जोड़ दो, माइनस कर रहा है तो घटा दो, तो उसमें से कौन आ जाता है, जो खुरापात कर रहा है। खुरापात मतलब जो इस तरफ भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, उधर भी जा रहा है, यानी डबल काउंट हो रहा है। इसी खुशी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आपके सामने मैंने एक सवाल और प्रस्तुत कर दिया शर्माते हुए। आपने बोला रख दो, तो आपकी सवाल स्क्रीन पर है, आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, नंबर का सर औसत मुझे दे रखा है, वो 7 दे रखा है आपने बोला, बहुत खुशी की बात है। शुरू के 8 का जो औसत है सर कितना है, 6.5 है, पेपर में आया हुआ सवाल है गुरुजी। और आखिरी के 8 का जो औसत है सर वो 8.5 है। तुझे कह रहे मिडिल नंबर ज्ञात करो, मिडिल का मतलब कौन सा सर, 8वां नंबर। मैंने बोला बहुत खुशी की बात है, देखना सर ये कितना कम है। आपने बोला सर 0.5 किस पे, 8 पे। सर आपने बोला ये कितना ज्यादा है, आपने बोला 1.5 किस पे, 8 पे। यहाँ 0.5 8 पे, यहाँ 1.5 8 पे, तो कितना हो जाए, 1 8 पे। किसका, प्लस का, यानी वो नंबर कितना रहा होगा, प्लस 8 रहा होगा, यानी 7 × 14 और 15, यानी वो नंबर कितने का रहा होगा, 15 का। बाकी आप चाहें तो 8 × 6.5 प्लस 8.5 × 8 माइनस 15 × 7, यही आंसर आएगा, ना आए तो बता देना। हम क्या कर रहे हैं, हम यही विचार लेके चल रहे हैं कि वो बंदा सर अगर मान लो जितना एवरेज है उतना ही रहा होता तो पूरे ग्रुप का लेन देन 0 हो जाता। समझ पा रहे हो मेरी बात, पूरे ग्रुप का लेन देन 0 हो जाता। हम ऐसा विचार लेके चल रहे हैं, जब ये कॉन्सेप्ट हमने सोचा था तो हम ये मान ले रहे थे कि मानते हैं ये 16 हो गए, तो हम ये मान लेते एक बंदा और डमी डाल देते उसी भार का, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप 0 होना चाहिए था। हम उसी भार को ध्यान में रखते हुए विचार करते हैं, तभी ये विचार बन पाते हैं। जिन बच्चों का इतना दिमाग न चल पाए, मैं मानता हूं यहां पे थोड़ी सी बात ट्रिकी हो जाती है, पर ये विचार में आ जाती है, तो यहां इतनी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्यादा सोचने वाले बच्चे कुछ डिफिकल्ट सवालों में अच्छा सोच जाते हैं, कुछ सोचे हमारी उस समय पे बच्चा सोच रहा होता है, अरे ये तो सिंपल सा सवाल था, यहां पे इतना दिमाग क्यों लगाने की आवश्यकता नहीं, क्या आवश्यकता थी। पर मैंने बोला कई बार आप जो दिमाग आप लगाने की प्रवृत्ति सिंपल सवाल पे भी बना रहे हैं, वो दिमाग जो आपने यूज किया कुछ डिफिकल्ट सवालों पर आप यूज करने के योग्य हो जाते। आपने बोला अच्छा सर, तो फिर निश्चित रूप से करेंगे। मैंने बोला करते रहो, शर्मा मत, कोई डाउट हो तो पूछना जरूर। उसी खुशी के साथ एक सवाल मैंने आपके सामने और फेंक दिया। ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या कह रहा है सर, देखना देखना सर क्या कह रहा है। एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50, 11 का सर 50 है, प्रैक्टिस के लिए रखा है सर। शुरू की 6 का सर कितना, देखो बाद में अगर आपको नॉलेज सी हो जाएगी ना फिर रटना स्टार्ट, फिर टेंशन नहीं लेनी। एंड लास्ट का कितना, लास्ट की 6 का कितना सर, 52। मैंने बोला देखो 6 × 12 ये 11, एक बंदा डबल काउंट हुआ, कौन सा हुआ सर, छठवां हुआ है, छठवां हुआ है। आपने बोला सर क्या हमेशा यही होगा कि बीच वाला नंबर ही डबल काउंट हो रहा होगा। मैंने बोला नहीं सर, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, मैं एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत कर दूंगा शर्माते हुए। कोई भी नंबर डबल काउंट हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, सातवां भी, आठवां भी, नौवां भी, दसवां भी, कोई भी डबल काउंट हो सकता है गुरु। लेकिन ये पेपर में ऐसे सवाल आए। हमने बोला बड़ा सिंपल है, कैसे करोगे, ये कितना कम पड़ गया, 1 कम पड़ गया, कितने लोगों पे, 6 लोगों पे। ये कितना ज्यादा है,
दो ज्यादा है, कितने लोगों पे? पांच, पांच लोगों पे जो सॉरी माफ करना, कितना ज्यादा है? दो ज्यादा है, कितने लोगों पे? छह लोगों पे। दो छह लोगों पे ज्यादा, एक छह लोगों के कम, तो कितना हो जाएगा? एक छह लोगों पे ज्यादा। तो इसका मतलब बीच वाला बंदा कितने का रहा होगा सर? मेरी नजर में 56 का रहा होगा। आप विचार लेना, शर्मा लेना, कितना हो गया सर? 56 हो गया। आपने सर बोला कि अभी आप बोल रहे थे सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो नंबर मिडिल वाला ही हो। मैंने बोला बिल्कुल सर। आपने बोला सर कैसे? तो मैंने आपके सामने एक अपनी इच्छा से ऑन द स्पॉट एक सवाल प्रस्तुत किया जो मेरी सीट में मैंने रखा नहीं है। आप तो जानबूझ के मान लो या बूझ जान के मान लो। सवाल मैंने क्या रखा? मैं शर्माया, मैंने बोला माना। आपने बोला कैसे? मैंने बोला माना कि कुछ 21 ऑब्जर्वेशन है। आपने बोला अच्छा। मैंने बोला कुछ 21 ऑब्जर्वेशन है, उनका औसत मान लो 60 है। 60 कुछ भी हो सकता, ऑब्जर्वेशन है। अगर बाहर की बात हो रही होगी तो किलोग्राम हो जाएगा, अंकों की बात हो रही होगी तो मार्क्स हो जाएंगे, उम्र की बात हो रही होगी तो ईयर्स हो जाएंगे, सैलरी की बात हो रही होगी तो रुपए हो जाएंगे। आपने बोला ओके सर, ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी यूनिट हो सकती है। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर कि प्रारंभ की पांच ऑब्जर्वेशन का औसत भार सर मैंने निकाल दिया 51 है सर। कितना? 51 है। आपने बोला ओके सर। तो मैंने बोला सर अब मुझे बता दो कि अब मैं कितनी ऑब्जर्वेशन उठा दूं। मैंने बोला मैं 17 ऑब्जर्वेशन का। कितना सर? 17 ऑब्जर्वेशन का। मैंने बोला औसत भार मैंने कुछ भी ले लिया, मैं कुछ भी ले सकता हूं, ऐसा जरूरी नहीं। आप ऐसा मत सोचना कि अगर एक औसत से छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या क्या ले सकता हूं? मैंने मान लो थोड़ी देर के लिए ले लिया कि ये 62 है, समझना। मैंने उस चीज का ध्यान रखा, एक औसत से छोटा एक बड़ा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। मैं दूसरा सवाल आपके सामने और प्रस्तुत करूंगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो देखना, मैंने बोला ये कितना हो गया सर, ये कितना कम है? आपने बोला सर 9 कम है। कितने पे? 5 पे। ये कितना ज्यादा है सर? 2 ज्यादा है। कितने पे सर? 17 पे। तो मैंने बोला 9 पंजे तो 45 है, और ये कितना है प्लस का? 17 दूनी 34 है। तो फाइनली ग्रुप में क्या ड्रामा क्रिएट हुआ, क्या बवाल क्रिएट हुआ? मैंने बोला 45 और 34 प्लस का, 34 और 6 40 और 6 और 5 9 यानी माइनस का 9। इसका मतलब मैंने कौन सा पूछा? डबल काउंट कौन सा नंबर हुआ है? आपने बोला सर पांचवा नंबर डबल काउंट हुआ है। अच्छा, मैंने बोला जी हाँ, पांचवा नंबर डबल काउंट हुआ है। आप खुद विचार कर लेना, मालूम पड़ जाएगा। देखो 17 और 5 तो 22 होते, जबकि ये तो 21 है, तो डबल काउंट कौन सा हुआ? पांचवा नंबर सर। तो मैंने बोला पांचवा नंबर कितना रहा होगा? माइनस का 9। तो ये कितना आ गया सर? 51 आ गया। कितना आ गया गुरु? 51 आ गया। अब मैंने ये बोला कि मान लो मैं इसको क्या रख देता, मैं चाहता, समझना सर मेरी बात, मैं चाहता कि इसको भी 59 रख देता। ये भी औसत से छोटा, ये भी औसत से छोटा। आपने बोला सर अच्छा, तो क्या मिलता? मैंने बोला सर यह माइनस का मिलता। कितना मिलता? माइनस का सर जो मिल रहा था 9, कितने लोगों पे? 5 लोगों पे। यहां माइनस का 1 मिलता, कितने लोगों पे? 17 लोगों पे। तो 9 पंजे 45 और माइनस का 17, तो बड़ा माइनस, माइनस 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 निरो माइनस आ गया सर, बहुत सारा माइनस, 40 50 60 और 62 माइनस का। तो मैंने बोला 60 में से माइनस 62 कर दो। तो आपने बोला माइनस का 2, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि माइनस का 2 कैसे आ गया। मैंने बोला नंबर है तो नंबर का माइनस का भी 2 हो सकता सर, बाहर माइनस का 2 नहीं हो पाता। आप बोलते अगर ये वेट दे रखे होते और तब माइनस आ जाता, तो मैंने बोला ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि बाहर तो माइनस में हो नहीं सकता। तो आपने बोला क्यों? क्योंकि सवाल ऐसा बनाया जाता है, इसमें दिमाग लगाने वाली क्या बात है, वो तो सवाल है सर, उसी हिसाब से प्लान करते हैं, समझ रहे मेरी बात, इसमें हम क्यों दिमाग लगाएं। आपने बोला सर ठीक है, हमने आपकी बात मान ली। ऐसा भी हो सकता था, आपने बोला कैसा, कि दोनों एवरेज से बड़े रहे होते तो वो नंबर बड़ा हो जाता। आपने बोला कैसे? मैंने बोल देता ये 61 होता, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये बोल देता सर मेरा ये होता कितना, 60.5,
तो ये कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, कितने लोगों पे, पांच लोगों पे, ये कितना काम ज्यादा है, 0.5 कितने पे, 17 लोगों पे, तो 17 × 85 8.5 और 5 8 × 5 13.5, तो मैंने जोर दिया कितना, 13.5, जो ड्रामा वो कर रहा है मैं वही कर रहा हूं, तो कितना आ गया, 73.5 आ गया। तो इस बात से घबराना नहीं है, आपने बोला सर, आपने बोला तो अब हम नहीं घबराएंगे, और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि मिडिल नंबर ही पूछ सकता है, हर वो नंबर पूछ सकता है जो डबल काउंट हो रहा है। आपने बोला अच्छा, इसी विचार के साथ, इसी सोच को सीखने के बाद मैं कुछ और सवाल आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ भाषा का खेल है, रिश्ते वही है, भाषा अलग है, हड्डी वही है, खाल अलग है, आत्मा वही है, रूह वही है, चिंताएं अलग है, ठीक है। आपने बोला इसमें क्या राइम हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं, मन में आया बोल दिया, जो दिमाग में चले ठीक है, एंजॉय करो भैया। अब ये कुछ सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, कट कट आप मैं रखूंगा, पट पट आंसर देंगे, फिर थोड़ी सी मैं विचार और बनाऊंगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 4, अब मैंने आपके सामने एक सवाल और प्रस्तुत किया, आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देने में शर्माना मत, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, छोटा समझ के है, इग्नोर मत करना, ठीक है। सवाल प्रस्तुत है, सवाल क्या है सर, पढ़ो आंसर दो, पढ़ना है आंसर देना है सर, मैं कमेंट में चेक कर रहा हूं, बैठा हुआ हूं मैं ईगल की तरह, मालूम भी तो पड़े कि आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या नहीं। सवाल क्या कह रहा है सर, कि सर ए बी और सी तीन लोग हैं, आपने बोला अच्छा, ए बी सी क्या दे रखा है, उनकी इनकम दे रखी है पर डे की, यानी औसत इनकम है 4,500, अच्छा खासा कमा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं सर। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि सर ए और बी की औसत इनकम जो मेरी है वो कितनी है सर, 4,000 है। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, फिर क्या कह रहा है, बी और सी की औसत इनकम कितनी है सर, 4,300। तो मैंने बोला सर बी की इनकम बता दो, मैंने बोला बी की इनकम बता दो। आपने बोला ठीक है सर, देखो किया तो और भी रास्तों से जा सकता है, आप इनको निकालते, इनका सम करते, इनका सम करते, इनका जो एक्स्ट्रा है वो वापस आ जाता, ठीक है। पर मैं ऐसे गया, मैंने उस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है मैंने उसका उपयोग कर लिया। मैंने बोला कैसे, कितना कम है, आपने बोला सर 500 कम है, किससे, पूरे ग्रुप से, कितने लोगों पर सर, 2 लोगों पर, यहां ड्रामा इसका हुआ, ये सर कितना कम है, आपने बोला सर 200 कम है, कितने लोगों पे, 2 लोगों पे, ये भी 2 लोगों पे 200 कम है, ये भी 2 लोगों पे 500 कम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 लोगों पे 700 कम है, तो मैंने बोला टोटल कितना कम है, 1400। ये ड्रामा हुआ क्यों, ये ड्रामा हुआ क्यों, इसकी वजह से, यही है सारी जड़ की बीमारी, या फिर बोलूँ सारी बीमारी की जड़ कौन है सर, बी। तो जो बीमारी है उसको ही भुगतना पड़ेगा, जिसने ड्रामा क्रिएट किया उसी को भुगतना पड़ेगा। तो मैंने बोला भुगता दो, तो कितना कम है सर, कितना कम है, 1400 कौन कम है सर, 1400 कौन कम है, मिस्टर बी। तो मैंने बोला सर 4500 में से 1400 जाते हैं तो कितने बच जाते हैं सर, 3100 बच जाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है मैंने कोई गलती नहीं मारी है। तो ये किसका मान आ गया सर, किसका मान आ गया, बी का। अगर आप पूछते सर धोखे से इसमें सी का मान पूछा होता तो, ए का मान पूछा होता तो मैंने बोला देखो ये ए प्लस बी बाई टू दे रखा है, समझना, तो अगर ए पूछा होता तो बी का मान रख देता तो ये आ जाता, क्योंकि इसमें अगर सम करूंगा तो 8000 हो जाएगा, यानी 8000 में से 3100 घटा दिया तो कौन आ जाएगा गुरुजी, आप बोलेंगे ए आ जाएगा। अगर सी पूछा होता तो मैंने बोला ये इतना दे रखा है तो इसका दोगुना कर दूंगा तो कौन आ जाएगा सर, इनका सम, उसमें से इसको घटा दूंगा तो कौन आ जाएगा सर, सी आ जाएगा। आपने बोला ठीक है सर, इतना हम कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग गया, मैंने चुपचाप से शर्माते हुए लगा दिया, मैं
गारंटी देता हूं जब आप खुद करने बैठेंगे तो ये फटक से बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे, पेपर में आए हुए सवाल हैं। तो मैंने बोला लाओ मैं कर दूं, ठीक है आपके सामने। फिर मैं थोड़ा सा शर्माया, हल्का सा और शर्माया, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सवाल और रख दिया। अभी तो सिलसिला बेटा बाकी है, अभी तो हमारी रात बाकी है, ठीक है। तो ठीक है आपके सामने एक और फिर करंट में आया हुआ सवाल, एग्जाम में आया हुआ सवाल प्रस्तुत किया। आंसर देने में गुरुजी शर्माना मत। आपने बोला सर शर्मा नहीं रहे, बस हो नहीं रहे, मैं देख रहा हूं सर, ईगल की तरह बैठा हुआ हूं कमेंट बॉक्स पे कि कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। पिछली क्लास में हमारे कुछ बच्चों ने आंसर दिए थे, कुछ बच्चे तो गायब दिख रहे थे, मालूम ही नहीं था कि वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे। ऐसे मजा नहीं आएगा बच्चे, बातें छोटी छोटी हैं। आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, आप पार्टिसिपेट करोगे ना, फटाफट आंसर देने की कोशिश करोगे, हो सकता है गलत हो लेकिन काफी लर्निंग होती है, ठीक है मेरी बात। तो आपके सामने सवाल प्रस्तुत कर दिया इसी बकवास को करते करते, और आपने ट्राई भी मार लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा, हल्का सा 2 सेकंड का पॉज के बाद। जी कह रहे सर, का कह रहे, ये कह रहे हैं कि एक बीक है, बीक में कितने दिन होते हैं? आपने बोला सर 18 दिन होते हैं। मैंने बोला नहीं, मेरे जहां तो बीक में 7 दिन होते हैं। एक बोलेगा नहीं सर मेरे जहां तो 8 होते हैं। हमने बोला नहीं 7 होते। तो आपने बोला सर बीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो एक बीक का सर औसत टेम्परेचर कितना दे रखा है? 32.5 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या कह रहा है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, यानी शुरू के 4 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे कितना दे रखा है सर? 32.1 डिग्री सेल्सियस। आपने बोला ओके। हमने बोला जबकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे का टेम्परेचर कितना दे रखा है? आपने बोला, हमने भी बोला 32.2 डिग्री सेल्सियस। हमने बोला अच्छा तो टेम्परेचर ज्ञात करो, किसका? थर्सडे का। हमने बोला थर्सडे कौन है जिसने दोनों तरफ मजे लिए, यानी कौन है सर मिडिल नंबर, कौन है डबल काउंटिंग वाला, कैसे निकालेंगे? मैंने बोला सर ये कितना कम है? आपने बोला 0.4 कम है। हमने फिर चेक किया, आपने बोला हाँ जी। कितने लोगों पे? 4 लोग। मैंने बोला यहां क्या ड्रामा है, यहां भी सर 0.3 कम है। कितने लोगों पे? 4 लोगों पे। सर यहां 0.4 कम 4 लोगों पे, यहां 0.3 कम 4 लोगों पे। तो मैंने बोला 4 और 3 7, 0.7 कम 4 लोगों पे, तो 4 7 28, तो कितना कम हो गया? 2.8 कम हो गया। कौन किसकी वजह से ड्रामा हुआ था? थर्सडे की वजह से। तो नुकसान भी कौन भुगतेगा? थर्सडे भुगतेगा। कैसे घटाओगे? मैंने बोला यहां से 1 ले लो, 1.5 में से 8 जाएगा, तो सर कितना बन जाएगा? 7 बच जाएगा। कितना? 0.7। फिर यहां कितना रह गया सर? 31। 31 में से 2 जाएगा तो कितना रह जाएगा? 29। 29। तो टेम्परेचर ऑफ थर्सडे सर कितना आ गया? टेम्परेचर ऑफ थर्सडे आ गया 29.7 डिग्री सेल्सियस। कोई शर्म लगी? आपने बोला नहीं। कोई नरमी हुई? आपने बोला हाँ सर थोड़ा सा फायदा तो हमें फील हुआ, पहले से बेटर है। हमने बोला ठीक है सर एक सवाल और प्रस्तुत कर दें, अब आंसर दोगे? आपने बोला हाँ सर अब पूरी कोशिश कर देंगे। तो इसी होशियारी के साथ, इसी चमत्कार के साथ, बातें छोटी हैं सर, बातें बड़ी नहीं है, पर इन गहराइयों में घुस के फील करो। पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इनफैक्ट देखो, वैसे तो आप बहुत सुनते रहते हो कि भैया फॉर्मूला फ्री मैथ। देखो फॉर्मूला फ्री का मतलब ये होता है, देखो ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले आ ही जाते हैं, पर पूरे अर्थमेटिक में कुछ ड्रामे घटा दी जाएं, बेसिक बातें हटा दी जाएं, तो एक्चुअल में फॉर्मूला होता भी नहीं है। बस रिश्ते वही रहते, सोच बदलती रहती है, जो उनमें घुस गया उसको फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुरू में बच्चे को बिना फॉर्मूले वाली मैथ हल्का सा दिमाग का दही बना रही होती है, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखा, अगर पेशेंस वो बनाए रखा,
तो बाद में फिर भैया उंगलियों पे ही सवाल होते हैं। कम से कम 70% ऑफ द पेपर या 60% ऑफ द पेपर, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पेपर। अगर पेपर कंपेरेटिवली आसान है तो हो सकता है 70% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द पेपर यू कैन सॉल्व ऑन द उंगली। इफ द पेपर इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट, देन मे बी यू कैन बी एबल टू सॉल्व 50% ऑफ द क्वेश्चन ऑन द उंगलीज। अच्छा हाँ ठीक है सर, आ जाओ, सवाल पढ़ लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आंसर भी देने की इच्छा आपने कर दी होगी। मैंने बोला लाओ मैं भी करूं, मिला लेता हूं कि वही आंसर आ रहा। क्या सवाल है? जी कह रहे हैं शुरू के चार दिन का औसत टेम्परेचर है सर 37 डिग्री सेल्सियस, और अगले चार दिन का टेम्परेचर गुरुजी कितना है 41 डिग्री सेल्सियस। ऐसा भी बोल सकता था सर, कैसा कि शुरू के पांच दिन? आपने बोला अच्छा, फिर मैं बोल देता आखिरी के तीन दिन। आपने बोला अच्छा, आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता था कि दो टेम्परेचर एक डबल काउंट हो जाए। मैंने बोला हाँ जी इट इज हाईली पॉसिबल, आज तक आपके पेपर में वैसे आया नहीं है, पर इट इज ऑल्सो हाईली पॉसिबल कि आपने बोला सॉल्व किया जा सकता है इसी सिद्धांत के साथ। मैंने बोला हाँ जी, आपने बोला कैसे? तो मैंने बोला पहले इसको तो कर लो बेटा, उसकी भी तो बात होगी ही होगी, जब मैं सोच रहा हूं तो रखूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिडिल नंबर ही पूछे, हो सकता है आपको ऐसा बोल दे कि शुरू के छह दिन का दे दे, ठीक है, और आखिरी के दो दिन का दे दे, तो सेकंड लास्ट नंबर का पूछ ले। हाँ जर्नली इसमें पूछ वही रहा होता है जो दो बार काउंट हो रहा होता है। आपने बोला जर्नली या फिर 100%? मैंने बोला देखो जर्नली 99.99%, पर मैंने बोला 0.00% ऐसा भी हो सकता है कुछ और भी पूछ ले। आपने बोला कैसे आंसर आएगा, तो मैंने बोला उसके लिए कुछ ना कुछ और ज्ञान दे रखा होगा। आपने बोला सवाल रखोगे? मैंने बोला जितनी आपकी सोचे हैं अपार्ट फ्रॉम जो मैं सवाल करा रहा हूं उसके अलावे जो भी सोचे रह जाएंगी, जो भी विचार रह जाएंगे, उसके लिए जो मैं डाउट सेशन रेगुलर बेसिस पर रखा करूंगा। अभी थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से बीच बीच में वीडियो में हमारा ब्रेक लग जाता है, कभी एक दिन लेट हो जाते हैं, कभी दो दिन। हम पूरी कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन फाइनली रिजल्ट ये निकलता है कि एक दिन लेट हो गए। क्यों? क्योंकि नेटवर्क काफी स्लो है, हमारे एरिया में स्लो है, मुझे लगता है हर उस एरिया में स्लो है जहां पर रेड जोन है या जहां पर केसेस ज्यादा, या फिर मैं बोलूं कोई और भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, लेकिन जैसे ही ये सिलसिला खत्म होगा हमारी पढ़ाई पूरे जोरों शोरों पर चलेगी, आपको कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, आपको पूरा मजा आएगा। गारंटी देता हूं कि आपको ये बातें, ये यादें, ये रातें हमेशा याद बनी रहेंगी। तो चलो, मैंने बोला सर बात मैंने आगे बढ़ाई, क्या कह रहा है सर और क्या किया? जो कह रहा है जबकि पूरे वीक का टेम्परेचर सर 39 डिग्री सेल्सियस है, तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है द टेम्परेचर ऑफ द फोर्थ डे। फोर्थ डे कौन सा है सर? अलग अलग भाषा से मिडिल डे, तो फोर्थ डे कौन होता है? थर्सडे होता है। हमने बोला सर ठीक है, फोर्थ डे क्या होता सर? थर्सडे होता। तो आपने बोला ये कितना कम है? हमने बोला दो कम है। कितने लोगों पे? चार लोगों पे। ये कितना ज्यादा है सर? दो ज्यादा है। 40 41 कितने पे? चार पे। मामला कहाँ बैठ गया? जीरो पे बैठ गया। ना लेन हुआ ना देन हुआ, इट का मतलब टा हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो बंदा डबल काउंट हुआ है, जिसने साजिश की थी उसको कोई फायदा नहीं हुआ, न इधर गया, जहां जितना नुकसान हुआ वहां उतना फायदा, मामला जीरो पर बैठा। इट मींस वो बंदा कितने का सर? 39 डिग्री सेल्सियस का। कितने का सर? उस दिन का टेम्परेचर यानी चौथे दिन का टेम्परेचर सर कितना है? 39 डिग्री सेल्सियस। अब मैं क्या कहना चाह रहा था, मान लो इसी सवाल में मैं ये बोल देता कि पूरे वीक का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है, समझना सर। अब मैं बोलता हूं कि शुरू के छह दिन का टेम्परेचर, 6 डेज का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और आखिरी के दो दिन का टेम्परेचर कितना है सर? 41 डिग्री सेल्सियस है। तो सेकंड लास्ट डे यानी सेकंड लास्ट डे ऑफ द वीक, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सेकंड लास्ट डे ऑफ द वीक, या फिर मैं बोलू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द ऑफ सैटरडे ऑफ द वीक, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सैटरडे ऑफ द वीक, ठीक है मेरी बात। और फिर मैं बोलू, मैंने बोला वही डबल काउंट हुआ है, 6 7 8 यानी
सेकेंड लास्ट डे डबल काउंट हुआ है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं घबराने की तो इच्छा मेरी बिल्कुल है ही नहीं। हमने बोला कितना कम है, आपने भी बोला, हमने भी बोला, एक साथ में बोलो क्या जयकारा, किसका, माता का, कितने लोगों पर, 6 लोगों पर। हमने बोला कितना ज्यादा, 2, कितने लोगों पर, 2 लोगों पर, ये 2 कम है, 6 लोगों पर, ये 2 ज्यादा, 6 लोगों पर। तो मैंने बोला कितना कम हो जाएगा, 2 कितना, 4 लोगों पर, 4 × 2 = 8, 8 कम कर दिया, 8 डिग्री सेल्सियस कम किया। तो इस साजिश से क्या निकल के आया कि उस दिन का टेम्परेचर कितना होगा, 31 डिग्री सेल्सियस। इस साजिश से एक बहुत ही प्यारा दिन निकल के आया, क्योंकि 31 डिग्री सेल्सियस बहुत ही प्यारा टेम्परेचर होता है, सुहाना मौसम होता है, काफी फीलिंग जग जाती है, पढ़ने में भी बहुत मन लग रहा होता है, तो काफी प्यारा दिन निकल के आया। तो मैंने क्या बोला, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिडिल डे हो सकता है या मिडिल टर्म ही हो सकता, कोई भी दिन हो सकता, हमें बस डबल काउंटिंग से मतलब है कि वो डबल काउंटिंग डे कितना है। हाँ, इसमें मैं और क्या पूछ सकता था, मैं ये भी पूछ सकता था कि लास्ट डे का टेम्परेचर बता दो, तो आप ये बोलते सर कैसे। मैंने बोला इसमें कितने दिन है, 2 दिन है। हमने बोला एक दिन का 31 डिग्री सेल्सियस आ गया, दोनों दिन का टेम्परेचर हमारा एवरेज है 41, तो सम कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कितना कम कर दो, 31 कम कर दो, आंसर आ जाएगा, 31 कम कर दो, आंसर आ जाएगा। आपने बोला ओके, हमने बोला हाँ जी, ठीक है। तो जो जो हमसे, देखो जितनी सवाल में भाषा दे रखी है उस हिसाब से जो जो निकाला जा सकता है हम निश्चित रूप से निकाल लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा तो कुछ भाषा भी देगा, समझ रहे मेरी बात। इंजन तो उतना ही चलेगा जितना उसमें डीजल है, आप रात भर चलाने चाहते हो तो आपको डीजल रात भर का डालना पड़ेगा। आपने बोला हाँ ये बात तो है, ठीक है सर। तो मैं आपके सामने एक सवाल और प्रस्तुत कर दूं, अगर आप कुछ ना बोले तो। मैंने बोला सर कर दो, तो एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत है, थोड़ा सा सिंपल सा, अभी मैंने ऐसा करा रखा था, आपका देखता हूं कितने लोग सही आंसर मारते हैं समय पे। आपको मैं वक्त दूंगा 1 मिनट, बहुत ज्यादा समय है, ठीक है, 1 मिनट का समय है। इस थोड़ा ही जस्ट पहले एक क्वेश्चन ऐसा ही रखा था, फिर आपके सामने प्रस्तुत है, पेपर में आया हुआ है। हाँ, सवाल अब स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है, जे कह रहा है, इन्हें सर्टेन ईयर द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज, एक व्यक्ति की औसत मंथली इनकम 3400 थी। कोई बहुत ही गरीब हमारा भाई रहा होगा, आजकल अभी फिलहाल के समय में गरीब भाई भाइयों को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कोरोना वायरस की वजह से। सरकारों का पूरा सहयोग होने के बावजूद काफी लोग मर रहे हैं, पर यही प्रवृत्ति है, क्या कर सकते हो आप सिर्फ यही कर सकते हो, जितनी आप अपनी इच्छा से हेल्प कर सकते हो वही पर्याप्त होगा। पूरे साल का भैया इनकम है 3400 औसत इनकम, और क्या कह रहा है कि शुरू के 8 महीने की उसकी जो औसत इनकम थी वो कितनी थी सर, 3160 थी, लेकिन आखिरी के 5 महीने की उसकी जो औसत इनकम थी कुछ वृद्धि हुई 4120। 8th दिन की उसकी इनकम पूछ रहा, कौन सी 8th मंथ की, 8वें महीने की, 8वां महीना। मैंने बोला 8वां महीना क्या निकलेगा, क्या डबल काउंट हुआ। मैंने बोला 5 और 8 और 5 13, तो ये 8वां ही तो डबल काउंट हुआ है, देखो 7 यहाँ रहे होंगे, फिर 8वां यहाँ भी जुड़ गया, 8वां यहाँ भी जुड़ गया, ठीक है सर मेरी बात, ठीक है। तो 8वां महीना ही डबल काउंट हुआ है सर। आपने बोला कैसे, ये कितने हैं, 8 तो 8वां, आपने बोला ये तो 5 है, फिर इसमें 8वां कैसे। मैंने बोला पीछे से 8वां, कितने पीछे से 8वां। आपने बोला हाँ जी बात तो सही कह रहे हो, पीछे से उठाओगे 12वां 11वां 10वां 9वां 8वां, आगे से तो 8वां है ही। आपने बोला हाँ अच्छा लगा। तो मैंने बोला सर ये बताओ कितना कम है, कितना कम है। आपने बोला सर 160 है वो 400 है, 40 जोड़ता हूं तो 240 कम है। कितने लोगों पे कम है, 8 लोग, कितने लोगों पे कम है, 8 लोगों पे कम है। मैंने बोला कितना ज्यादा है, हमने बोला 600 जोड़ेंगे तो 4600 यानी 720, किसने लोगों पे, 5 लोगों पे। मैंने बोला ज्यादा है,
कम है, यस। हमने बोला 720 पांच पे और 240 आठ पे। हमने बोला देखो 24 दिया वैसे तो, चलो ठीक है मैं सीधा ही कर लेता हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहे गुणा करके कर लो, ना तो मैं 240 कॉमन लेके भी सॉल्व मार देता हूँ, जैसे आपका मन करे। मैंने बोला 240 है, ठीक है 240 8 है। मैंने बोला 240 दिया कितना होता है, तो 5 15 देखो कर लोगे। पर मैं वो अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि कई बार मैं कैलकुलेशन में ज्यादा स्मार्ट थिंकिंग लगा देता हूँ, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, तो थीधा सा गुणा कर लिया। कैलकुलेशन की भी चर्चा करूंगा मैं आगे चल के, थोड़ा सा फुर्सत में जब आएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन में भी काफी हथियार हम यूज कर लेते हैं। तो हमने बोला 800 8 6 32 के 2 हासिल 3 8 2 16 17 18 19 माइनस का प्लस का कितना है सर, 50 5 2 10 5 7 35 और 1 36। कुछ गलत ने किया हो, देखो 50 5 10 5 7 35 और 1 36 8 6 32 8 2 16 17 18 19। तो 1900 यानी 2000 इसमें से अगर मैं कम करने जाऊंगा तो 1680 कितना सर, 1680 किसका, प्लस का। यहां चुपचाप से मैंने चिपका दिया 1680 कितना सर, 1680। ये कौन सा दिन आ जाएगा, 20 वाला दिन आ जाएगा, कोई अच्छा दिन है उसका, कोई अच्छा दिन है सर। तो मैंने बोला 3000 1 4000 5000 80, ये कोई उसके लिए बहुत लकी दिन रहा होगा जिसमें उसने 5000, या कोई लकी मंथ रहा होगा, मंथ की बात हो रही तो 5080 रुपए कमाए। मैं ऑप्शन की तरफ क्या कोई मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, इसका मतलब मैं सही हूँ। पहले से मैंने कैलकुलेशन तो नहीं कर रखी थी इसलिए मैं भी डाउट में था, अब हो सकता है मैंने कोई गलती ना की हो, ठीक है। तो विचार कर पा रहे हो सर, मुझे बताओ कोई दिक्कत हुई अभी तक। आपने बोला सर अभी तक तो कोई नहीं हुई, अगर हुई हो तो दोबारा से वीडियो को जरूर देखना, कोई डाउट हो तो पूछना। आपने बोला सर आप बकवास बहुत करते हो, मैंने बोला कोई नहीं उनको स्किप कर दो, मेरी तो आदत है, कुछ बच्चों को एंटरटेन करना पड़ता है, कुछ बच्चे ना तो सो जाते हैं, क्या करें, जिंदगी में जो बिकता है वही आदमी बेचता है, ठीक है। तो फिर मैं आया, कहाँ आया, अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, अब इससे मैं अलग हटा। एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा था, क्या पूछा था कि सर अगर 2 डबल काउंट हो रहे हो तो, 3 डबल काउंट हो रहे हो तो, 4 डबल काउंट हो रहे हो तो। मैंने बोला कोई टेंशन नहीं लेनी गुरुजी, वही सिलसिला चलेगा, वही सोच चलेगी। कैसे, मैं आपसे ये कहूं, समझना गुरुजी, मैंने बोला मैं आपसे ये कहूं कि भैया यहाँ पे मेरे 12 लोग हैं और 12 लोगों का औसत भार, मान लो मैंने थोड़े भारी भरकम लोग उठाए, 70 किलोग्राम है। आपने बोला ओके, आपने बोला ओके। मैंने बोला कि शुरू के 7 लोगों का औसत भार, शुरू के 7 लोगों का औसत भार कितना है, मैंने बोला सर 75 किलोग्राम है। अब मैं ये बोलूं कि आखिरी के 7 लोगों का औसत भार कितना है, मैंने बोला सर 69 किलोग्राम है। अब मुझे बताओ अगर मैं किसी बच्चे से पूछू, फटक से आंसर देना इसमें, मुझे बताओ कितने लोग डबल काउंट हुए, कितने लोग डबल काउंट हुए, तो मुझे आंसर दे दो। मैं बोलूंगा मैं कैसे सोचता हूं, मैंने बोला ये 12 है, ये 7 और 7 कितना है, 7 2 14, इसका मतलब 2 लोग डबल काउंट हुए हैं, जितना एक्स्ट्रा हो जाता है उतने डबल काउंट। तो मैंने बोला जो डबल काउंट हुए हैं, एक तो उनका औसत भार बता दो, कितना सर औसत भार, मैं उनका योग भी पूछ सकता हूँ, अलग अलग तो मैं बता नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है। तो मैंने बोला कैसे निकालू, समझना सर औसत भार किसका जो डबल काउंट हुआ। आपने बोला कौन सा डबल काउंट हुआ है। तो मैं अगर मैं ये बोलूं कि 5वां और 6वां हुआ है तो आप बोलोगे नहीं सर हम नहीं मानते। मैंने बोला देखना सर, देखना कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने बोला ये क्या बचपन वाली बातें कर रहे हो, मैंने बोला मेरा मन कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इसको पकड़ लिया। मैंने बोला कौन सा, 5वां 6वां नहीं सर 6वां 7वां, कौन सा, 6वां 7वां 6वां 7वां। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा आ गया सर, 6वां 7वां आ गया। आपने बोला सर कैसे पता लगा करेगा, मैंने बोला जहां जो नंबर दे रखा है ये तो होगा ही होगा, एक इससे कम रहा होगा, अगर डबल काउंट हो रहे हैं ना तो जो सबसे आखिरी वाला नंबर वही होगा जो यहां आ रहा है, जो यहां आ रहा है। और
उससे पहले अगर दो डबल काउंट हो रहे हैं तो दो नंबर और रहे होंगे, बाकी तो पेपर वाला जैसे बोला उस हिसाब से विचार बना लेना। मैं तो ये फालतू की बातें आपके दिमाग की दही बनाने के लिए करता रहता हूं, जिससे आपका दिमाग इतना विकसित हो जाए कि पेपर में कोई एकदम चमत्कारी सवाल भी आ जाए तो कम से कम उस पर सवाल पर कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करो। ठीक है सर, मैंने बोला उन दो का एवरेज कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकाल। एक रास्ता तो ये है कि गुणा सात करो, प्लस गुणा सात करो, माइनस कर दो, कौन ये माइनस कर दो, तो उससे क्या आ जाएगा, सत्तर गुणा बारह करके आ जाएगा दोनों का सम, दो से भाग मार देना आ जाएगा एवरेज। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, पर मैंने बोला ऐसे नहीं, कैसे, हमने बोला सर कितना ज्यादा है, आपने भी बोला, हमने भी बोला सर पांच ज्यादा, कितने लोगों पे, सात लोगों पे, कितने, सात। अच्छा, मैंने बोला कितना कम है सर, एक कम है, कितने लोगों पे, सात लोगों पे, ये सात लोगों पे पांच ज्यादा, ये सात लोगों पे एक कम, तो मैंने बोला चार ज्यादा, कितने लोगों पे सर, सात लोगों पे। हमने बोला औसत में क्या होता है, कद्दू कटेगा तो सम में बटेगा, कितने लोग डबल काउंट हुए, दो लोग, तो मैंने बोला कितना हो गया, चौदह, किस में मार दो, इसमें मार दो, तो कितना आ गया सर, चौरासी किलोग्राम, कोई भारी भरकम लोग हैं, चौरासी किलोग्राम औसत है, अलग अलग मैं बता नहीं सकता, अलग अलग मैं बता नहीं सकता, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला मैं एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत कर दूं, आपने बोला हाँ सर, अगर इतना लंबा सफर तय कर ही लिया है तो आप चाहे एक रखो चाहे दो रखो। मैंने आपके सामने एक सवाल ऐसे ही रख दिया बिना लैंग्वेज के, बिना भाषा के, समय बचाने के लिए। मैंने ये बोला सर, समझना गुरु समझना, मैंने बोला सर कि 50 लोगों का औसत उम्र, 50 लोगों की औसत उम्र मान लो मैं कहता हूं 45 इयर्स है। आपने बोला ओके, आपने बोला ओके। मैंने बोला प्रारंभ के 10 लोगों की, 10 लोगों की, 10 लोगों की औसत उम्र कितनी है सर, 10 लोगों की औसत उम्र है 42 इयर्स। और मैंने फिर क्या बोला, मैंने बोला सर आखिरी के 42 लोगों की औसत उम्र कितनी है, मैंने बोला आखिरी के 42 लोगों की औसत उम्र कितनी है, हमने बोला 48 ईयर। तो आपने बोला गुरु से दोनों कैसे छोटे हो गए, हाँ जी हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि भाई ड्रामा चल रहा है, इसमें डबल काउंट हो रहा, कितना 42 और 10 52, दो डबल काउंट हो रहे। आपने बोला कौन सा, तो इसको पकड़ो दसवां, तो नौवां और दसवां, नौमा और दस। आपने बोला सर इसको पकड़ने की इच्छा है, तो मैंने बोला पीछे से चलना पड़ेगा, पीछे से चलना मेरे लिए मुश्किल था इसलिए मैं आगे से चल लिया, यहां आसान होता, अगर यहां 42 होता यहां 10 होता तो पीछे से चल लेता। तो आपने बोला इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये ड्रामा की आवश्यकता नहीं। तो मैंने बोला उन लोगों का कौन सा, नौमा और दस देखा, ठीक है। तो हमने बोला सर कितना कम है, आपने बोला तीन कम, हमने भी बोला तीन कम, कितने लोगों पर, दस लोगों पर। आपने बोला कितना ज्यादा है, नहीं मैं तो ये ज्यादा कैसे ले लिया, चलो ठीक है ले लिया तो ले लिया, मुझे लगा मैंने दोनों कम लिए, ले लिया तो ले लिया, जो जो उसमें होश खोते हैं खोने दो, यहां पे होश खोगे तो कंट्रोल आएगा तो फिर पेपर में नहीं खोएगा, होश खोगे कंट्रोल की कोशिश करोगे, खोगे कंट्रोल की कोशिश करोगे, पेपर में मामला कसम कस बैठ जाएगा। हमने बोला कितना ज्यादा है, ओहो तीन ही ज्यादा, बाई डिफॉल्ट तीन ज्यादा, मैं तो ऐसे लिख दिया था। हमने बोला कितने लोगों पे, 42 लोगों पे, देखो 42 पे तीन ज्यादा, 10 पे तीन कम, तो तीन कितने पे ज्यादा। आपने बोला सर 42 में 10 कर देता हूं तो 32 आता है, कद्दू कटेगा तो कितने बटेगा, दो में बटेगा, तो 16 दूनी 32, 16 थी 48, बड़ा मामला गंभीर है। तो 40 और 40 80, 80 और 93 ईयर्स, ओहो, यानी जो बीच वाले लोग हैं 9 में 10 में 93 ईयर्स के हैं, काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, 93 वर्ष के जवान है ये, ठीक है। मैंने सवाल उठाया, आपने बोला उठा लो, हमने बोला सर 39 लोग हैं, उनकी औसत उम्र 25 वर्ष है सर, कितनी 25 वर्ष है। आपने बोला ओके, मैंने बोला प्रारंभ में 9 लोगों की औसत उम्र मैंने ले ली, कितनी मैंने ले ली सर 21 वर्ष, कितनी 21 ईयर। अब मैंने आखिरी के 33 लोगों की,
33 लोगों की औसत उम्र कितनी ले ली सर मैंने? मैंने ले ली मान लो 26 ईयर। तो मैं आपसे ये पूछूं कितने लोग डबल काउंट हुए तो कैसे सोचते हो? मैं इनको जोड़ा तो मैंने बोला 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 लोग डबल काउंट हुए हैं। तो जो डबल काउंट हुए हैं कौन सा है सर? तो इसे पकड़ो 9, इसका मतलब सर 7वां 8वां 9वां डबल काउंट हुए होंगे। तो 7वें 8वें 9वां का औसत उम्र ज्ञात करें। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, आप भी चले, मैं भी चला। मैंने बोला सर कितना कम है? आपने बोला सर गार गम है। कितने पे? 9 पे। देखना इसमें कितना ज्यादा है, इसमें 1 ज्यादा, कितने पर सर? 33 लोगों पे। हमने बोला भाई 9 चक 36, ये 33, ये तो माइनस में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकली गलत नहीं होना चाहिए, पता लगा उम्र माइनस में गलत होगी, चूंकि लेकिन बहुत कम है माइनस में, तो वैसे उम्र नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पे तो बहुत कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता लगा माइनस का 50 हो जाता ये 25 है तो मामला गंभीर हो जाता। हमने बोला ये कितना है सर? 9 चक 36 और प्लस का 33, तो कितना माइनस का 3। आपने बोला ओके, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, इसका बड़ा ध्यान रखना, बाद में बच्चा गलत कर जाता है तो माइनस का। यानी सर जो बाकी के जो डबल काउंट हुए वो कितने वर्ष के हैं सर? 24 वर्ष के। मैं चाहता तो यहाँ पे 33 की जगह 36 भी रख सकता था, तो कितने डबल काउंट हो जाते सर? कितने? 6। तो कद्दू कितने में बटता? 6 में बटता, तो 6 से कितना हो जाता? 0.5 कम हो जाता। मैंने बोला मैं चाहता तो यहाँ पे 31 भी रख सकता था, तो कितना डबल काउंट हुआ? 1 डबल काउंट हुआ। मैं चाहता तो यहाँ 32 भी रख सकता था, तो कितने डबल काउंट हुए सर? 2 डबल काउंट हुए। कैसा फील कर रहे हैं? आपने बोला सर बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन फील कर रहे हैं। तो इससे क्या सीखा? हमने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बातें, हम सबसे पहली बात तो हमने ये सीखी कि डबल काउंटिंग के सवाल होते कैसे हैं, क्या करना होता है। हमने पूरे ग्रुप में ये देख लेना होता है कि भैया पूरे ग्रुप में मिलके उस बदतमीजी की वजह से, इधर उधर जाने की वजह से, डबल काउंटिंग की वजह से ग्रुप ने कुल कंट्रीब्यूशन में या कुल डेविएशन मेरा हुआ कितना, जितना भी हुआ है उस बंदे की ही वजह से हुआ है, हम उसको ही दोषी मान लेते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी कि वो कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मिडिल नंबर ही होगा, कोई भी हो सकता है, बस हमें देखना होता है वो नंबर कौन सा। मैंने यहाँ पे रास्ते रास्ते में बताया भी था कैसे पता करते। तीसरी बात मैंने ये सीखी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा डबल काउंट हुआ होगा, पेपर में अभी तक 1 का ही आया है, बाकी 2 भी डबल काउंट हो सकते हैं, 3 भी डबल काउंट हो सकते हैं, 4 भी, एडेडेड मतलब कितने भी, ठीक है। तो वो बात भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हर एक बात आपको टंच तरीके से समझ आई होगी। अगर ना समझ आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है गुरुजी, कमेंट मारना, आपके कमेंट आते नहीं है, कमेंट जरूर मारा करो। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा दिया होगा, जिससे जब भी क्लास पढ़ती होगी आपके यहाँ घंटी बज जाती होगी, आपका दिमाग उस घंटी को सुनता होगा, आप भी रेडी हो जाते होंगे। अभी सिलसिला थोड़ा सा काफ़ी बीच बीच में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से बीच बीच में क्लासेस रुक जाती हैं। मैं कंटिन्यू बनाने की कोशिश में लगा हूँ, लेकिन यहाँ जितने भी रेड जोन हैं वहाँ पे थोड़ी आजकल हमारे यहाँ बड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम वैसे आती नहीं है। जैसे ही ये प्रॉब्लम समाप्त होगी आपका बहुत कुछ होने वाला है, मैं बहुत सारे डाउट सेशन भी कराऊंगा, मैं मॉक भी डिस्कस करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के भी आपके सामने डिस्कस करूंगा, और भी बहुत सारे प्लान हैं मेरे लिए। अभी तक मैं आपसे सिर्फ इतनी इच्छा रखता हूँ कि जो भी डाला जा रहा है बढ़िया तरीके से करो, कोई डाउट है तो पूछो, और आपकी कोई सजेशन है तो मुझे निश्चित रूप से दो, और पेशेंस के साथ लगे रहो, अपना प्यार बनाए रखो। बहुत जल्दी ही हम लोग बहुत कुछ लाने के प्लान में हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर पढ़ने वाली है। नॉन टेक की बायो आपका पढ़ना स्टार्ट हो गई है, मुझे पूरा विश्वास है आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। धीमे धीमे और भी बहुत कुछ पढ़ेगा, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि भाई इस लॉकडाउन में लोग इतनी सेवाएँ कर रहे हैं, तो हमारे पास जितनी हमारी तरफ से सेवा बन सकती है, हम हाथ पैर से आपको फ्री शिक्षा दे सकते हैं, फ्री शिक्षा दे सकते हैं, बाकी तो हम बहुत ज़्यादा योग्य हैं नहीं सर, और हमारे लिए यही बहुत बड़ी योग्यता है। तो सब कुछ फ्री मिलेगा आपके लिए, एंजॉय करो,
लोगों के बाद बताओ, अच्छा लग रहा होगा, मैं ऐसा पूरा विश्वास करता हूँ। लोगों के बीच में इस बात को रखो और बहुत जल्दी ही हम भी बहुत ही चमत्कारी ढंग से हम भी छाएंगे, आप भी छाएंगे। आपका भला तो हमारा भला, हमारा भला तो आपका तो हो ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं एक नए उत्साह और उसी जोश के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।